जब हम मंत्री बने तभी भी प्रभारी मंत्री हम मुजफ्फरपुर में, हमने सीधा बोल दिया बनेंगे तो मुजफ्फरपुर बनेंगे वरना नहीं बनेंगे। अभी 100 दिन का जो यात्रा है इसमें सिर्फ सिर्फ संघर्ष करने के लिए उतरे हैं और आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं का नारा लेके चल रहे हैं। चुनाव का जब समय आएगा तो देखा जाएगा, ये हम लोग नवंबर एंड में जाके सोचेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत तेज है। इधर मुकेश सहनी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, आरक्षण निषाद आरक्षण को लेकर यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान जब हमने उनसे सवाल किया क्या मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चर्चा में मुकेश सहनी रहते हैं और मुजफ्फरपुर से काफ़ी चर्चा होती है, सियासी गलियारों में काफ़ी मुजफ्फरपुर को लेकर चर्चा होती है। ऐसे में जब हमने सवाल पूछा क्या मुजफ्फरपुर से मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर से हम विशेष ध्यान देते हैं मुजफ्फरपुर पर, और जब हम मंत्री बने, प्रभारी मंत्री बने, तो हमने प्रभारी मंत्री के लिए लड़ा, मुजफ्फरपुर लड़कर लिया और साफ साफ कहा कि मुजफ्फरपुर में हमने अपनी ताकत दिखाई है और जब चुनाव लड़ने की बात आएगी तब पार्टी विचार करेगी, लेकिन पार्टी तो चुनाव लड़ने के लिए ही बनी है। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, पहले आप वो सुनिए। क्या मुजफ्फरपुर से मुकेश सहनी लड़ेंगे, क्योंकि चर्चा में रहते हैं मुकेश सहनी। देखिए, निषाद का राजधानी है और मुजफ्फरपुर में के लिए हमेशा हम ज़्यादा सोचते हैं। जब हम मंत्री बने तभी भी प्रभारी मंत्री हम मुजफ्फरपुर में, हमने सीधा बोल दिया बनेंगे तो मुजफ्फरपुर बनेंगे वरना नहीं बनेंगे, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि मुजफ्फरपुर किसी और को प्रभारी मंत्री बनाया जाए, तो हमने सीधा बोल दिया बनेंगे तो यहाँ बनेंगे नहीं तो कहीं नहीं बनेंगे। उन्हें बोला गया नहीं दो जिला का प्रभारी मंत्री बन जाएगा, हम बोले कहीं नहीं जाए बनेंगे, एक ही जिला का बनेंगे लेकिन मुजफ्फरपुर बनेंगे, तो हमने मुजफ्फरपुर का प्रभारी मंत्री बना। सीट में भी चुनाव लड़ने की बात आया तो 11 लोकसभा विधानसभा की जगह हमने 2 विधानसभा मुजफ्फरपुर में चुना और दोनों सीट हमने जीता। 3 लोकसभा में 1 लोकसभा मुजफ्फरपुर के लिए भी हमने लिया, हमारे प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ा सफल नहीं हो पाया। तो और जैसे उपचुनाव भी हुआ तो 2 बार आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपनी ताकत को दिखाया। तो इसलिए आने वाले समय में भी निश्चित तौर पे पार्टी निर्णय लेगा कि चुनाव लड़ने का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बना तो चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन अभी 100 दिन का जो यात्रा है इसमें सिर्फ सिर्फ संघर्ष करने के लिए उतरे हैं और आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं का नारा लेके चल रहे हैं। चुनाव का जब समय आएगा तो देखा जाएगा, ये हम लोग नवंबर एंड में जाके सोचेंगे। तो आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, पूर्व मंत्री भी हैं बिहार सरकार में और उन्होंने साफ साफ कहा कि मुजफ्फरपुर पर विशेष ध्यान रहता है मेरा, और जब प्रभारी मंत्री के बनने की बात आई तो हमने मुजफ्फरपुर को चुना, लड़कर मुजफ्फरपुर लिया। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हम मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री बने, इसके बावजूद हमने लड़कर प्रभारी मंत्री बने हैं। और उन्होंने कई सारी बातों को भी कहा है, साफ साफ कहा कि जब चुनाव का वक्त आएगा तब पार्टी इस पर विचार करेगी, लेकिन पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ही बनी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फरपुर में हमने 2 उपचुनावों में अपनी ताकत दिखाई है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।